बिहान भैले योहानस फिन ओही जगह पर रहा और ओकर चेला में से दुई गो ओकर संगे रहा। तब जब उ यीशु के आवत देखिस तब फिन से बोलिस कि देख उ आदमी परमेश्वर के भेड़ा के बच्चा है। तब उ दुई चेला ई बात सुन के यीशु के पाछे चले लगल। तब जब यीशु घूम के ताकिस तब पूछिस हम तु लोग के खात कौन चीज करी। तब उ सब पूछिस रवि आप कहाँ रहे है। रवि के मतलब मास्टर है। तब उ बोलिस चल देख। उ लोग ओकरे संगे गयल और देखिस उ कहाँ रहे है। लगभग 4 बजे संझा रहा और उ सब उ दिन यीशु के संगे रह गयल। उ दोनों में से एगो के नाम अंद्रियास रहा। उ सिमोन पेत्रस के भाई रहा। तब अंद्रियास तुरंत अपन भाई के खोजिस और बोलिस हम लोग मसीह के पाई गईली है। मसीह के मतलब भी क्रिस्त है। और उ अपन भाई के यीशु के पास ले गयल। तब यीशु ओके ताक के बोलिस तू योहानस के बेटा सिमोन बाटे बकी तोर नाम केफस रहेगा। ई नाम दूसर भाषा में पेत्रस है और एकर मतलब पत्थर है। एक रोज बाद यीशु माइस गलीलिया दिहात जाए। तब जाए से पहले उ फिलिपस के भेटायल और बोलिस आओ चल हमरे साथ। फिलिपस जैसे अंद्रियास और पेत्रस बेतसाइदा शहर में रहत रहा। तब फिलिपस गयल नतनायल के लावे और उसे बोलिस हम लोग उ आदमी के पहली है जेकर विषय में मोसेस और दूसर सनेसियन परमेश्वर के पुस्तक में लिखिस रहा। ओकर नाम यीशु है। ओकर बाप योसेफ है और उ सबन नासारत शहर के है। तब नतनायल बोलिस एक को अच्छा चीज नासारत में थोरो है। तब फिलिपस बोलिस आओ चली जा देखे। तब यीशु जब नतनायल के आवत देखिस तब बोलिस देख वो एगो सच्चा इसराइल के आदमी है। वो सफा सोच विचार वाला है। तब नतनायल ई बात सुन के पूछिस तू हमें कहां से जाने है। तब यीशु बोलिस फिलिपस के बुलावे से पहले हम जानत रहली कि तू आपन अंजीर के पेड़ के तरे रहले। तब नतनायल बोलिस मास्टर जी आप परमेश्वर के बेटा बाटे आप इसराइल के राजा बाटे। तब वो बोलिस हमार बात द्वारा तू हमरे में विश्वास करे है। तू औरो बड़का काम देखी है। सुन हम सच बोलीला कि तू लोग देखिए कैसे स्वर्ग खुली और परमेश्वर के परी लोग नीचे आए जाई इंसान के बेटा लगे।